Hello friends, welcome to Masters IAS. I am Dr. Annie Jamwal. I am here with the second lecture on the series Science Simplified. In this lecture, we will continue with our previous lecture, that is Inventions and Discoveries. इस लेक्चर में भी मैं आपको उसी निमोनिक्स के तरीके से बहुत इजीली सारी की सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस याद करवाऊंगी और होप करती हूँ कि आपको प्रीवियस भी सारी की सारी याद होंगी। इस लेक्चर के एंड में आज मैं आपके लिए एक नई सरप्राइज लेके आई हूँ। वो सरप्राइज आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिससे आपकी प्रेपरेशन का लेवल एकदम जंप करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पक्का देखें। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। सो द फर्स्ट डिस्कवरी इज कंप्यूटर। एक ऐसी डिस्कवरी है जो हम सबके घरों में भी आजकल आम पाई जाती है, बट कंप्यूटर को डिस्कवर किसने किया ये शायद हम लोग भूल चुके होंगे। इसे डिस्कवर किया चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को याद करने का बहुत इजी एक तरीका है, दैट इज ए बी सी। सबको ए बी सी अल्फाबेट्स याद होंगे, इसीलिए इसे हम याद करेंगे चार्ल्स बैबेज। बी फॉर बैबेज एंड सी फॉर कंप्यूटर। बी फॉर बैबेज सी फॉर कंप्यूटर, दैट इज बी एंड सी। सो द नेक्स्ट डिस्कवरी इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब ने आप फ्रीक्वेंटली सुना होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर करने वाले की जो स्टोरी है दैट इज वेरी फेमस। इतने फेलियर्स के बाद भी उन्होंने अपनी डिस्कवरी को वर्ल्ड वाइड लेवल पे पहुंचाया और वो आज उस डिस्कवरी के दम पे हम सब यहाँ पे हैं और ये पढ़ पा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको कि डिस्कवर किया थॉमस एल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर्ड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। इसे याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। थॉमस एल्वा एडिसन को आप याद करेंगे टी बी। थॉमस टी फॉर थॉमस एंड बी फॉर बल्ब, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। हमें पता है कि हमारे आस पड़ोस में टीबी की बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है, इसे हम उसी से कोरिलेट करके याद करेंगे ट्यूबरक्लोसिस टी बी थॉमस बल्ब। ये आ गया आपका टी, ये आ गया आपका बी। टी बी इज थॉमस बल्ब। नेक्स्ट डिस्कवरी इज रेडियो। रेडियो को डिस्कवर किया जी मैक्रोनी ने। रेडियो एंड रेडियो को डिस्कवर किया जी मार्कोनी। इसे हम कैसे याद करेंगे, रेडियो को डिस्कवर किया जी मार्कोनी ने। अब जी मार्कोनी को याद करने का क्या तरीका है, जब भी कभी हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं या कभी किसी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे एक पोस्ट होती है जनरल मैनेजर। जो ये पोस्ट होती है इसे कहते हैं हम शॉर्ट में जीएम। अब हम क्या देखेंगे, इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो होटल का जीएम है ना वो पूरे दिन रेडियो भी सुनता रहता है, ठीक है। वो एक बहुत ही आलसी इंसान है, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो जीएम क्या करता है पूरे दिन रेडियो ही सुनता रहता है। तो इसे हम इस तरीके से लर्न करेंगे। सो द नेक्स्ट डिस्कवरी इज मशीन गन। मशीन गन ये एक ऐसा टॉय है जो बचपन में हर किसी का फेवरेट रहा होगा, मशीन गन। इसे डिस्कवर करने वाले का नाम है जेम्स पकल। जेम्स पकल इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, हमें पता है जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पे एमपीज और एमएलएस इलेक्ट होते हैं, इसे हम उसी तरीके से याद करेंगे मशीन गन। एमपी एम फॉर मशीन, पी फॉर पकल, इसे हम ऐसे याद करेंगे मशीन गन एमपी। और इसे आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं, हम जब भी किसी एमपी को देखते हैं हमें उसके साथ एक बहुत बड़ा सा हजूम दिखता है, किसका, सिक्योरिटी गार्ड्स का, जिनके पास मशीन गन्स रहती हैं। तो मशीन गन को किसके साथ कोरिलेट किया हमने, एमपी साहब के साथ। एमपी साहब की सिक्योरिटी में हमेशा मशीन गन्स रहती है, इसलिए एमपी मशीन एंड पकल, मशीन गन दैट इज जेम्स पकल। सो द नेक्स्ट वन इज बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस आप प्लीज नोटिस करिएगा कि इसमें मैं आपको सभी डिस्कवरीज मिक्स तरीके से करा रही हूँ, ये किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, बायोलॉजी, मैं आपको सभी डिस्कवरीज एक ऐसे तरीके से पढ़ा रही हूँ जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डिस्कवरीज हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है। एटलीस्ट उन डिस्कवरीज पे आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है।
अदरवाइज डिस्कवरीज तो इतनी हैं कि हम लेक्चर पे लेक्चर भी कंडक्ट करते जाएंगे तो खत्म नहीं होगी, बट इन्हें आप ना भूलें, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से लर्न करवा रही हूँ। बायफोकल लेंस की जब तक बात आती है, इसे डिस्कवर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन इनको हम याद कैसे करेंगे? बायफोकल, फोकल एफ, फ्रैंकलिन एफ, इसे हम याद करेंगे बायफोकल। अब आप सब जानते हैं कि बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, तो यहां पे टू आया है इसमें, इसीलिए टू एफ आएंगे। बायफोकल में टू एफ आएंगे, वन एफ इज फॉर फोकल एंड अदर एफ इज फॉर फ्रैंकलिन। तो बाय का मतलब टू, टू एफ इज इक्वल टू फोकल एंड फ्रैंकलिन। सो द नेक्स्ट डिस्कवरी इज इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारे सबके घरों पे पाई जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर। पानी का बहाव बढ़ाने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं, जिससे हम पानी को एलिवेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कवर किया माइकल फैराडे। इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे भी सेम वही डबल एफ के तरीके से याद करेंगे, इसमें डबल एम आएगा, मोटर एम एंड माइकल एम, मोटर माइकल। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि माइकल के पास एक मोटर है, मोटर इज कार। आप इसे ऐसे याद रखते कि माइकल मोटर, माइकल के पास मोटर है, या फिर डबल है। जो भी तरीका आपको ज्यादा बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट डिस्कवरी, दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प को डिस्कवर किया है ए ई बैक्वेलिन। ठीक है, अब इसे एक बड़े फनी तरीके से लर्न करेंगे। इलेक्ट्रिक लैम्प को डिस्कवर किया ए ई बैक्वेलिन। अब हम इसमें याद रखेंगे, इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी याद रखेंगे, जिसमें एक लड़का है ए ई, उस लड़के का क्या नाम है? ए ई। ए ई एक लड़का है जो बहुत नालायक है, ए ई का बार बार बैक आ रहा है, बैक मतलब ए ई बार बार फेल हो रहा है, ए ई बार बार बैक आ रहा है मींस ए ई बार बार फेल हो रहा है। जब कोई फेल होगा तो उसे बड़ी गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ए ई बैकवेल ने क्या किया, ए ई बैकवेल पूरी पूरी रात लैंप के आगे बैठ के पढ़ता रहा। ठीक है, इसे हम इस तरीके से याद करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई कि एक लड़का है ए ई, जो कि बार बार फेल हो रहा है, जिसकी बैक आ रही है, इसलिए उसने इतनी मेहनत की कि वो पूरी रात लैंप के नीचे बैठ के पढ़ता रहा, जिससे उसका बहुत अच्छे ग्रेड्स आए और वो पास हो गया। ये एक नॉर्मल सी स्टोरी है, इस तरह की स्टोरीज आप खुद भी बना सकते हैं। आप एक दो बार मेरी क्लास को देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब जो है स्टोरीज बनाने का, इमेजिनेशन करने का, ये आप में खुद ही टैलेंट आ जाएगा और आप इस चीजों को कोरिलेट करके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्कवरी को एक मिनट में लर्न कर पाएंगे। सो वी मूव विद द नेक्स्ट डिस्कवरी, दैट इज प्लास्टिक। आपको पता है प्लास्टिक कितना कॉमन है और प्लास्टिक हमारी एनवायरनमेंट के लिए कितनी बड़ी थ्रेट भी है। प्लास्टिक को हम हमेशा आजकल थ्रेट से नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हम इसे रिप्लेस करने के चक्कर में हैं। अब प्लास्टिक को डिस्कवर किया अलेक्जेंडर पार्कर ने। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट्स जो कि आप सबको, आप और मैं दोनों, हम लोग मिलके हम पिकनिक मनाने जाते हैं अलेक्जेंडर पार्क। अब हम दोनों पिकनिक मनाने गए, पर हमने पार्क में जाके देखा कि वहां पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं, डोंट थ्रो प्लास्टिक। इसे हम इसी तरह से याद रखेंगे कि पार्क में बार बार बोर्ड लगे थे कि वहां प्लास्टिक मत फेंको, क्योंकि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डिग्रेडेबल है। इसीलिए हम इसे ऐसे याद करेंगे, पार्क प्लास्टिक। प्लास्टिक को किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर पार्कर ने। होप आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी और इस लेक्चर के एंड तक ये सारी डिस्कवरीज आपकी टिप्स पे होंगी। और आप इस लेक्चर को एक बार अगर रिवाइंड करके अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। बट हम भी आपके बेनिफिट के लिए कुछ सोच रहे हैं। अब इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट डिस्कवरी इज एक्सरे। अब ये डिस्कवरी जो है ये
सबकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि हम सब स्टूडेंट, हमारी जिंदगी में एक्सरे का क्या काम, मैम ये कैसी बातें कर रही है। बट मैं आपको बताती हूँ, एक्सरे को हम को रिलेट करेंगे एक्स के साथ। एक्स क्या होती है? एक्स हमारी गर्लफ्रेंड होती है, एक्स हमारा बॉयफ्रेंड होता है, जो कि हमारी लाइफ से आउट हो चुका है। उसके आउट होने के बाद भी हम उसको याद तो जरूर रखते हैं ना, इसीलिए हम याद करेंगे कि हमारी एक गर्लफ्रेंड या आपकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम होता था क्यूरी। क्यूरी आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड जो कि अभी नहीं रही, उसका नाम था क्यूरी। तो एक्सरे को डिस्कवर किसने किया? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, अब सबकी एक्स का नाम हो गया है क्यूरी। अपनी अपनी एक्स को सब भूल जाइए और सब याद रखिए कि मैडम ने एक ही एक्स बताई थी, वो है क्यूरी। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, आपको ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, बट काफी एग्जाम्स में ये रिपीट होने के कारण मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम थ्योरी को डिस्कवर किया मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, अब इसे याद करने का क्या तरीका है? हमें एबीसी तो सबको आती है, कुछ भी भूल जाए एबीसी कभी नहीं भूलेगी, इसीलिए हम इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। P के बाद क्या आता है? Q, प्लैंक, क्वांटम, क्वांटम Q, प्लैंक P, P के बाद Q, इसे हम याद करेंगे प्लैंक निधि क्वांटम क्यू। आपको सबको लर्न हो ही रहा होगा। अब नेक्स्ट एक डिस्कवरी है जो कि वैक्सीनेशन से है। वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीजेज एंड वैक्सीन पे बीइंग अ डॉक्टर मैं आपका एक स्पेशल लेक्चर कंडक्ट करूंगी, जिसपे कि मैं आपको बायोलॉजी के फैक्ट्स के साथ फिर से रूबरू करवाऊंगी, ताकि कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो हमारी साइंस सिंप्लीफाइड सीरीज में मिस हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन, आप सबको पता है कि बार बार हम सबको पोलियो वैक्सीन के कैंप लगते हुए नजर आते हैं, और हमारे बहुत ही फेमस सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, जो कि इसकी एड भी देते हैं। तो पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया जोन्स एडवर्ड सॉफ्ट। पोलियो वैक्सीन, इसे डिस्कवर किया जोन्स एडवर्ड सॉफ्ट। इसे हम कैसे याद रखेंगे? आज वो जमाना नहीं कि हमें पोलियो के ड्रॉप्स खुद किसी को डलवाने जाना पड़े। जो भी हमारी गली मोहल्ले में बच्चे होते हैं, हमें उन्हें बार बार पोलियो के ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करवाने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट इतनी प्रोग्रेस कर चुका है कि पोलियो जैसी बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए डोर टू डोर सर्वेस कंडक्ट कराए जाते हैं। वो आपके ही घर, जैसे आज कैंप हुआ, एक या दो या तीन दिन के बाद वो आपके घर पे आके फिर से एक ड्राइव करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा बच्चा है जो अनइम्यूनाइज्ड रह गया है, मतलब जिसको वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं हुई है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम ऐसे ही याद रखेंगे, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे वार्ड में आए। वार्ड क्या होता है? हमारी गली, हमारा मोहल्ला। जब कोई हमारे घर में आके हमारे बच्चे को पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर करेगा, तो दैट मीन्स ही इज कमिंग टू आर वार्ड, ताकि कोई भी बच्चा अनरजिस्टर्ड ना रह जाए। तो इसीलिए हम याद रखेंगे, पोलियो वैक्सीन देने के लिए वो लोग वार्ड में आते हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड। ओके, सो द नेक्स्ट डिस्कवरी इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को किसने डिस्कवर किया? प्लैनेट्स को डिस्कवर किया गैलीलियो ने। अब गैलीलियो को हम कैसे याद रखेंगे प्लैनेट्स के साथ? दैट इज पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। हम सब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एस्पायर करते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं, इसलिए हम सारे बहुत फैमिलियर हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, इसीलिए हम इसे इसी नेमोनिक से याद रखेंगे, पी फॉर प्लैनेट्स, डी फॉर ग्रेजुएशन। गैलीलियो ग्रेजुएशन, प्लैनेट्स प्लैनेट्स, ओके, पोस्ट प्लैनेट्स गैलीलियो ग्रेजुएशन, दैट इज पी जी। फाइन, सो द नेक्स्ट इन द लाइन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर देखा जाए तो ये आप सबको पता हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकॉमन सा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने दी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बट हमें याद रखना है कि उनको इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
इसके लिए आइंस्टाइन बहुत फेमस हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, बट उनको जो नोबेल प्राइज मिला वो इसके लिए नहीं मिला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इसे हमने कैसे याद रखना है भाई? रिलेटिविटी, रिलेटिव, रिश्तेदार, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है हम सबकी जिंदगियों में। रिश्तेदारों का एक बहुत कॉमन सा रोल होता है। ऐसे कभी कोई रिश्तेदार याद करे या ना करे, जब कोई रिजल्ट आता है तो सभी रिश्तेदार याद करते हैं, जो कि अक्सर आजकल कर रहे होंगे क्योंकि कुछ रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। तो अब हमने रिश्तेदारों को हमने भी याद करना है क्योंकि वो हमें इतना याद करते हैं। तो अब हम उनको कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे कि जो आइंस्टाइन है उनके सारे रिलेटिव्स आए और उन्होंने एक मिलकर थ्योरी बनाई। आइंस्टाइन के सभी रिलेटिव्स आए और उन्होंने बैठ कर एक थ्योरी बनाई। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी। फाइन, एब्सोल्युटली। अब आप सबको ये सब आ रहा होगा, मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आपने प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा है, वो निमोनिक्स आपको याद हैं और ये वाले आज मैं आपको क्लास में ही याद करवाऊंगी। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, इसके जो निमोनिक है वो इतना फनी है कि आप सबको याद रहेगा क्योंकि वो आप सबकी लाइफ का पार्ट है। पीरियोडिक टेबल, होप माय हैंडराइटिंग इज क्लियर। पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया डिमित्री मेंडलीव ने। ओके, अब आप इसे कैसे याद करेंगे? आप सब याद करेंगे कि जहां मैन आ गया ना वहां पे सारे आदमी आ गए। अब पिछले लेक्चर में हमने जब बीवी का मजाक बनाया तो सब बहुत हंसे, सबको बहुत पसंद भी आया और कुछ लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज भी मुझे वापस आए। बट इस बारी मैं आदमियों की सच्चाई को सामने लाऊंगी, इसलिए मैन से आप याद रखोगे कि सारे मैन चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में परी जैसी औरत आए। कैसी औरत आए? परी जैसी औरत आए। पर आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, जो है जैसी है उसी से काम चलाना सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैन को याद रखेंगे मेंडलीव को परी के साथ। पीरियोडिक टेबल दिया डिमित्री मेंडलीव ने। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू डिस्कवरीज। नेक्स्ट इज डीजल इंजन। डीजल इंजन, डीजल इंजन को डिस्कवर किया डीजल इंजन। डीजल इंजन इसे डिस्कवर किया रुडोल्फ डीजल ने। दैट इज वेरी सिंपल, मैं आपके लिए यहाँ लिख लेती हूँ। और इनके नाम में भी डीजल आ रहा है तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ निमोनिक्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ डिस्कवरी सॉरी ऐसी होती है जिनके लिए निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप उनको ऐसे ही बाय हार्ट कर सकते हैं। सो अब हमारी नेक्स्ट जो डिस्कवरी है वो है एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एटॉमिक बॉम्ब। अब एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुनते ही सारे घबरा जाएंगे। अब जैसा ये एटॉमिक बॉम्ब है ना वैसा ही इसका डिस्कवरर भी है। इसे डिस्कवर किया रॉबर्ट ओपन हाइमेरा। ओपन हाइमेरा, ठीक है, रॉबर्ट ओपन हाइमेरा। इसे जिसने डिस्कवर किया है उसकी सोच के साथ आप चलेंगे हम सब। एटॉमिक बॉम्ब, जब भी कोई किसी पे एटॉमिक बॉम्ब फेंकेगा, जैसे हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं कि उस वो कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल है, उस कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल है, जो कि हम बार बार सुनते रहते हैं एटॉमिक बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब, तो मींस वो कुछ ऐसा बॉम्ब रहता होगा जिससे बहुत ही मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होती होगी। तो इसे हम इसलिए ऐसे ही याद करेंगे एटॉमिक बॉम्ब। जब कोई एटॉमिक बॉम्ब फेंकेगा जिसको उन्होंने डिस्कवर करने के लिए बनाने के लिए सालों सालों लगाए, क्या वो किसी के घर में फेंकेगा? नहीं, ये एक ऐसा बॉम्ब होगा जो जहां पे फेंका जाएगा वहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन का हमारा एम होगा, इसीलिए हम उस बॉम्ब को यूज कर रहे हैं। तो उस बॉम्ब को हम ओपन में फेंकेंगे, उसे हम क्लोज स्पेस में नहीं फेंकेंगे, उसे हम ओपन में फेंकेंगे। तो इसे हम याद करेंगे एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपन हैमेरा। ओके, ऐसे आज की लास्ट डिस्कवरी पे हम आ गए हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। हम कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बंदर हुआ करते थे।
अब वो बंदर हुआ करते थे, बट हम तो इंसान हैं, तो बंदर से इंसान बनने का जो प्रोसेस था, जो वो टाइम पीरियड था, जो चेंजेस आई, उन्हें कहते हैं एवोल्यूशन। जब कोई भी फॉर्म एक फॉर्म सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है या चेंज हो जाती है, उसे हम कहेंगे एवोल्यूशन। ये जिसने सुनी थी वो बहुत ही फेमस थे, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ये खुद ही हमारे लिए निमोनिक बना के चले। इनका क्या निमोनिक है? CDE, चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन। क्या दिया उन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न दिस। इसको आपको ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपके निमोनिक्स लर्न करने के लिए एक अलग से क्लास करनी पड़े, ये नहीं होना चाहिए। निमोनिक्स इतने इजी होने चाहिए कि आपको निमोनिक्स क्लास के दौरान ही याद हो जाएं, और उन्हें इतनी बड़ी बड़ी कहानियों में ना बनाएं कि उन्हें याद करने के लिए आपको फिर से एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करवानी पड़े। तो ये हो गए हमारी आज की सब डिस्कवरीज। होप आपको ये डिस्कवरीज भी प्रीवियस लेक्चर की तरह पसंद आएगी, और आप इस लेक्चर को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, जो आप निमोनिक्स के तरीके से करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसी टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो लेके जरूर आऊंगी। और रही आज के सरप्राइज की बात, मुझे पता है आज आप सब लास्ट तक बैठे हैं जस्ट टू नो द सरप्राइज। सो व्हाट इज द सरप्राइज? सरप्राइज इज, हमने आपके लिए एक मास्टर्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों का क्या काम है? आपने उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। जब आप उस चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे तो अब क्या होगा, अब हमारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था और जो मेरा आज का लेक्चर था, और कुछ ऐसे निमोनिक्स जो हम लेक्चर्स में कवर नहीं कर पाए बट आपके लिए स्टिल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उनका हम आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे। दैट विल बी अ पोल बेस्ड टेस्ट। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ये टेस्ट होगा, आपको उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। आपको अपना रिस्पॉन्स भी पता चलेगा, आपको बाकियों का रिस्पॉन्स भी पता चलेगा, और आपको उनके सबके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे। और इन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिस सीरीज व्हाट वी विल डू इज, हम आपको इन्हीं लेक्चर्स की इसी तरह की एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो कि उसी ग्रुप में पोस्ट होगी। इसीलिए अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करते हैं तो दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू। आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत बहुत मैंडेटरी है, एटलीस्ट मेरी क्लास के लिए, जिसके टेस्ट और पीडीएफ सारे उसी ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने बाय हार्ट करना है, और बाय नेक्स्ट थर्सडे हम आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। होप ये वीडियो आपको उतनी ही पसंद आई होगी जितनी प्रीवियस वीडियो पसंद आई। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और लोगों के साथ शेयर करने का मतलब है शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।